के युग में नियम होता था, गायों के दूध के लिए पहले बछड़ों को छोड़ा जाता था और बछड़े के धापने के बाद गांव वाले उस दूध को काम में प्रयोग। कलयुग है, अठे ग्वालो पहले दूध ने काढ़ लेवे, बीका बाद बछड़ा ने। भगवती क्या कर रही है अपने घर में? गाय बछड़ा अर्थात इस संसार के अंदर किसी के भी अधिकार का हनन, उसके दूध पर पहला अधिकार उसके। इसीलिए उस घर के अंदर ये लीला करके बता दिया कि किसी के अधिकार को आज हम दादी वाले हैं साहब। किसी से बात करें कि यहां से वहां तक जाना है बाबू कितना लोगे, अगर कोई गरीब आदमी फटे हाल कह दे कि 20 रुपए लूंगा तो फिर बहस मत करना कि 20 क्यों, वो तो 15 में लेकर गया था। 20 तो 20 दे देना, कि जरूरतमंद को पैसा अन्नदान करती है श्री नारायणी नमो नमो की विशेष संस्थाएं परिवार। आज भगवती की दया से भारत में चहुदिशी में अन्नदान हो रहा है, किस लिए? कि चाहे महीने में एक दिन ही सही हमारे हाथ से उनके निमित्त कुछ निकल जाए। तन को पवित्र करना हो तो गंगा नहा लो, मन को पवित्र करना हो तो ध्यान करो, लेकिन अगर दो नंबर के कमाए हुए धन को पवित्र करना हो तो दान करो, तुम्हारा धन पवित्र हो जाएगा। पैसे को कैसे? एक बार मैंने कह दिया बेटा धन को पवित्र कर ले, एक बेवकूफ आदमी 500 की गड्डी को पानी में डुबो के ले आया, मैं धोखे लाया हुक्म, ऐसो धोयोड़ो तेरो की काम को यार। हाँ, धन पवित्र होता है दान से। भगवती के नाम पर कुछ ना कुछ मासिक रूप से अन्नदान प्रारंभ कीजिए। जहां हो गए उनको बधाई, और जहां नहीं प्रारंभ हुए आप लोग भी एक लो नमो नारायणी का नाम और अन्नदान चालू कर दीजिए। तो आइए भगवती अपने घर में जो लीला कर रही है पढ़ के देख लो। एक बार की यो चरित अपारा, पाय ना सकी मात भी पारा, दूध पिलाय रही थी माता, सुनियो मात बछड़ा रंभाता। बछड़ा गाय एक संग देखी, दूध पिलाती गैया देखी, छोड़ बालिका माता धाई, आगे जाकर तुरंत दूध पिला करके। और फिर जब माता जी जाकर देखे कि भाई दूध तो ठंडा है पर बदबू आ रही है, तो जमाना भी खराब था, कहीं किसी बहम में पड़ गई तो कि मने लागे कोई मेरे ऊपर कुछ करा दियो, मने तो अइया को आभास होवे है। इस भय में मेरी मां ना पड़ जाए, उसकी शंका का निवारण करने के लिए महामाया नारायणी ने क्या किया? अरे तुरंत सती अग्नि प्रगटा, डर गई माता होश गवाई, अहिद चरित अनेक तर बचपन लियो बुलाए, हर 5 बरस की उम्र में विद्या पढ़ने जाए, विद्या पढ़ने जाए, अरे गुरु ग्रह जाए गणेश मनाई, लगी पढ़न शारद सिरुनाई, अरे जो जो गुरु अनुशासन दीना, तुरत सीख नारायण लीना, ओ आप सीख सखियन समझाए, भांति भांति के ज्ञान बताए, चारों वेद तुरत पढ़ डारे, भगवत गीता के गुण साए, अरे वेदी पर गुरु शीश नवाई, नारायणी अपने घर आई। एक चरित मैं कहूं बखानी, जही विधि डाकिन दूर भगानी, डाकिनी एक गांव में आई, छोटे बालक हर ले जाए, ओ नर नारी ते बहुत दुखारी, नारायणी ने बात बिछारी, आंधी कर डाकिनी भगाई, सुखी भय सब लोग लुगाई, मात पिता आज्ञा अनुसर ही, नाना विधि पूजा नित करही, ओ विष्णु सहस्त्र जपे नित नामा, विधि उठ कर पितु माति प्रणाम, ओ वाल्मीकि तुलसी रामायण, नियमित करती थी पारायण, पूर्व जन्म की कथा चिताई, जब महाभारत ग्रंथ उठाई, सुमिर कथा व्याकुलता जागी, मन में ज्योति सत्य की जागी, वो नाशवान नहीं आनी जाने, यो जान मन में नारायणी, जाली राम दीवान है उनके घर में जाए, अभिमन्यु ने जन्म लिया धन धन नाम धरा, धन धन नाम धरा, बोलिए श्री तंदन दास जी महाराज की।
हे पति पहचान चित्त हर्षाया पार्वती का ध्यान लगाया गणपति मात प्रिया शंकर के आशा पूर्ण करो मेरे मन की माता आस यही है मन की जन्म जन्म दासी तन धन की प्रकट हो ये दर्शन सत्य दीना सिर पर हाथ फिर वरदी हो नारायण आशीष हमारी जही मनोकामना थारी हो सतयुग सावित्री प्रगटाई रीता सीता सती कहाई अही प्रकार कलयुग के माई नारायणी तिरु नाम सुहाई आशीर्वाद दे कर अम्बा अंतर ध्यान भई जगदम्बा मन भावती आशीषा पाई हरि भक्ति में चित्त लगाई कार करे नित मंगलकारी माता पिता लखी होई सुखारी जय विधि होई सुखी पुरवासी वही चरित करती सुख राशि और नारायणी ने कला दिखाई सुख संपत्ति घर घर में छाई सुख संपत्ति घर घर में छाई सुख संपत्ति घर घर में छाई। तो आइए अंतिम दोहा फिर से सब मिलकर के पढ़ेंगे। ऐही प्रकार बचपन गया कन्या हुई किशोर गुरसामल ढूंढने लगे सुंदर वर चहु ओर जन्म चरित्र जो नित पढ़े सतिपद शीश नवाय पुत्र पौत्र धन जसे बढ़े रमाकांत जस गाय हो या को सगला भगत जस गाय। बोलिए श्री रानी सती मात की जय। बोलिए तन धन दास जी महाराज की जय। बोलिए श्री राणा दास जी महाराज की जय। अटल छत्र सरकार की जय। अखंड ज्योत महाराज की जय। आइए तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले वो तेरा ही सहारा हमें तेरा ही सहारा ओ तेरा ही सहारा हमें तेरा ही सहारा ओ झूंझन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा ओ मोटी से ठाणी हमें तेरा ही सहारा माँ तेरा ही सहारा दादी ओ तेरा ही सहारा मेरी दादी तेरा ही सहारा ओ झूंझन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा ओ सतियों में सती रानी हमें तेरा ही सहारा। बोलिए श्री रानी सती मात की जय। बोलिए श्री रानी सती मात की। बोलिए श्री रानी सती मात की। नाच तो कुन कुन नहीं करके बैठे हो बताओ तो इतना जन नहीं करियो ना और जो कर नहीं किया और कुन कुन करके बैठे हो है? अब शर्मा तो हाथ नहीं उठा रहा आने यो नहीं पतो कि मैं पहली गिन लिया जो नहीं खाकर बैठे हो जी कह नहीं उठिया मैं तो सब खाएड़ा ही बैठे है। चलो साहब जो नहीं खाए हुए हैं उनको नमन पर जो खाए हुए हैं उनसे विनंती के जयकारे में कंजूसी नहीं। बोलिए श्री रानी सती मात की जयकारा बराबर लगाते रहिए साहब जयकारा मातेश्वरी को प्रिय है। तो आइए तीसरे स्कंद प्रारंभ करें कि एक स्तवन रख ले भगवती का एक भजन कर ले फिर तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। बोलिए पाठ चालू करें कि भजन कर ले एक बार भजन। हाँ पाठ तो रोज ही पड़ा घर में भजन करो महाराज। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय काली पांच। तो देखिए झुंझुनू मंदिर कौन कौन गया है। वाह कौन गया अरे गयो है ना तो उठा जो झुंझुनू गया है वो षोडश मातृका का मंदिर है ना आरती रखते हैं वहां बिल्कुल सामने है ना सिड्डियां उतर के आरती ली आरती लेकर षोडश मातृका की तरफ बढ़े बगीचे का छोटा सा दरवाजा है स्टील का खोलते हैं तो चलने के लिए मार्बल का रैंप है आगे जाकर के एक पंचायत बेंच से राइट की तरफ रास्ता घूमता है
जो षोडश मातृका तक जाता है, जहां से आप घूमते हो वहां पर एक पेड़ लगा है, वो पेड़ कितने लोगों ने देखा है जरा ईमानदारी से बताओ। अरे हम मंदिर जाते हैं, मंदिर की परिकल्पना पर विचार नहीं करते, माई ने कहा क्या किस लिए लगा रखा है हमको पता ही नहीं है, बस जाते हैं माई को देख के आ जाते हैं। और बहुत सारे भक्त तो इतने महान है यारो, वो लोग माई के सामने जाते हैं और मैं सबसे बड़ा भगत हूं ये बताने के लिए आंख मीच के खड़े हो जाते हैं। अब उससे कोई पूछो, तू साल भर तो रोता रहा मैया झुंझुनू बुला दर्शन दे, झुंझुनू बुला दर्शन दे, और अब जब मैया के सामने आने की बारी हुई तो तू आंख बंद करके खड़े हो गयो। आंखियां खोल के देख, साधु महाराज ने बतावे, बड़े बड़े संतों ने कहा है कि ये माया मोह के पर्दे हैं जिनके कारण हम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाते। ये माया मोह के पर्दे और कुछ नहीं, आंखों की ये दो पुतलियां ही है, एक माया एक मोह, ये बंद होते हैं तो भगवान नहीं दिखते, वरना खोलो तो दरबार में साक्षात जगदम्बा दिखी जाती है। तो आइए साहब, हम लोगों को भी माई का दीदार करना है। उसी मंदिर के सामने बने हुए पेड़ के लिए एक भजन है, पंक्तियां सुन लीजिए फिर गाइएगा मेरे साथ में। हो अरे हरी नीमड़ी श्री मंदिर की, ओ हरी नीमड़ी श्री मंदिर की, बड़े ठिकानो मारो। वो जो पेड़ है उस पेड़ पे मुझे बैठा लो मैया, कि मैं वहां से आपको हर पल। अरे हरी नीमड़ी श्री मंदिर की, बने ठिकानो मारो। हरी नीमड़ी श्री मंदिर की, बने ठिकानो मारो। अरे बैठ रटू तेरो नाम मावड़ी, बन के सूवटो थारो। अरे बैठ रटू तेरो नाम मावड़ी, सूवटो थारो। सूवटे का मतलब मिट्टू, तोता, पैरट। सूवटा मने ठीक है, कि बैठ रटू तेरो नाम मावड़ी, बन के सूवटो थारो थारो। तो आइए हम लोग मिल करके अब दादी जी के प्रार्थना करें कि मैया यद्यपि कोई जन्म दो तो अगला जन्म किसी मोर या तोते का देना और हमको अपने दरबार में बैठा लेना। तो आइए जो जो तोता बनने को तैयार है वो मेरे साथ गाइए। ओ हरी नीमड़ी श्री मंदिर की, बने ठिकानो मारो। हरी नीमड़ी श्री मंदिर के, बड़े ठिकानो मारो। अरे बैठ रटू तेरो नाम मावड़ी, बन के सूवटो थारो। बैठ रटू तेरो नाम मावड़ी, बन के सूवटो थारो। बन के सूवटो थारो, बन के सूवटो थारो। दोनों हाथों की सेवा करते रहिए साहब, बोलिए रानी सती माता की। नाम रटन नाम रटन, तोते की आदत होती है रटते रहने की। नाम रटन दिन रैन मावड़ी, मैं तो कर तो जाऊं। नाम रटन दिन रैन मावड़ी, मैं तो कर तो जाऊं। आता जाता सेवकिया से जय जय माँ बुलवाओ, आता जाता सेवकिया से जय जय माँ बुलवाओ। और चुके की चिंता दाने की चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि धाप के जीमू पर शादी में, धाप के जीमू पर शादी में फल और मेवो न्यारो। धाप के जीमू पर शादी में फल और मेवो न्यारो। अरे बैठ रटू तेरो नाम
मावड़ी बन के सूवटो थारो अरे पैगे रे तू तेरे नाम मावड़ी बन के सूवटो थारो जब आप लोग तोता बन जाओगे ना तो आपको छूट होगी कहीं भी उड़ के पंख पसारिया उड़ उड़ जाऊं नगरी नगरी घूमूं पंख पसारिया उड़ उड़ जाऊं नगरी नगरी घूमूं नित का उत्सव निरखो थारा भजन भाव में झूमू अरे नित का उत्सव निरखो थारा भजन भाव में झूमू अरे एड़ो कोई जोग बिठा दे एड़ो कोई जोग बिठा दे भाग जगा दे मारो एड़ो कोई जोग बिठा दे भाग जगा दे मारो बैठ रखू तेरे नाम मावड़ी बन के सूवटो थारो बैठ रखू तेरे नाम मावड़ी बन के सूवटो थारो बन के सूवटो थारो बन के सूवटो थारो अब हम लोग आरती देखने के लिए सभा भवन में जाते हैं जहां माई के पंखे लगे हैं उनके ऊपर झरोखे बने हुए हैं जहां से भगवान सूर्य नारायण की रोशनी श्री मंदिर में प्रवेश करती है जब उड़ने की क्षमता होगी और तोते बन जाएंगे तो चुपचाप भक्तों की भीड़ में घुस करके हम लोग सभा भवन के बैठ झरोखे सभा भवन के बैठ झरोखे माई का गुण गाऊं सभा भवन के बैठ झरोखे माई का गुण गाऊं अरे पांच बखत की करूं आरती पांच बखत की करूं आरती निरख निरख सुख पाऊं पांच बखत की करूं आरती निरख निरख सुख पाऊं आज घर में बैठे तरसते हैं लेकिन जब उसके दरबार के तोते बन जाएंगे ना तो क्या होगा मिंगसर और भादोरो मेलो मिंगसर और भादो नवमी हर मिंगसर भादो के मेला को उड़ उड़ करूं नजारो मिंगसर भादो के मेला को उड़ उड़ करूं नजारो अरे बैठ रटू तेरे नाम मावड़ी बन के सूवटो थारो बैठ रटू तेरे नाम मावड़ी बन के सूवटो थारो अरे सती रानी अरे तेजस अरज करे सती रानी कृपा नेक दिखा जो लख चौरासी का फेरा में मतना फेर फसा जो अरे लख चौरासी का फेरा में मतना फेर फसा जो अरे जो तू चावे करू मावड़ी जो तू चावे करू मावड़ी कहणो मानू थारो जो तू चाहे करू मावड़ी कहणो मानू थारो अरे बैठ रे तू तेरे नाम मावड़ी बन के सूवटो थारो बैठ रे तू तेरे नाम मावड़ी बन के सूवटो थारो बैठ रे तू तेरे नाम मावड़ी बन के सूवटो थारो बैठ रे तू थारो नाम मावड़ी बन के सूवटो थारो बन के सूवटो थारो बन के सूवटो थारो बन के सूवटो थारो बोलिए श्री रानी सती मात की बोलिए सच्चे दरबार की जय तो आइए माई ने सबको चुनरी उड़वा दी साहब अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं हम लोग तृतीय स्कंद को प्रारंभ करते हैं ओम श्री गणेशाय नमः
श्री राणी सत्ये नमो नमः, श्री हनुमते नमः, श्री नारायणी चरित्रमानस तृतीय स्कंद, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विशो जहि। अर्थात दैत्यों को मारने वाली देवी तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तो यह सब चरित्र कहां मैं गाई, दूसरी कथा सुनो मेरे भाई। जाली राम एक वैश्य सुजाना, रहते थे दिल्ली जग जाना। दयावान सुंदर मति धीरा, व्यापारी थे अति गंभीरा। लेन देन धंधा करते थे, खूब भक्ति शिव की करते थे। और गुणवंती थी नारी सुंदर, रहती पति सेवा में तत्पर। नारी धर्म पालन करती थी, साधु संत सेवा करती थी। की गति अनुसार समय जाता था, धंधा भी अच्छा चलता था। एक समय की बात बताऊं, मति अनुसार प्रसंग सुनाऊं। नगर हिसार अति विख्याता, जाली राम रुके मग जाता। मिली सूचना जब नवाब को, झट बुलवाया जाली राम को। तो सेनापति झट ले गया जाली राम को, आए खास महल में ले गया, झड़ी चंद दिया मिला। खास महल में ले गया, झड़ी चंद दियो मिला। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं फिर से एक बार। हो कहोरे जय जय। ये रास्ता का बैठे वाला पीछे वाला कौन बोल रहा है? देखो साहब, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहां तक सही हूं कहां तक गलत, पर मैं सच बताऊं, जब ये जयकार और ये ताली की बात आती है ना, तो मेरी आंखें ठीक उसी जगह जाकर रुकती है जो जयकारा नहीं लगा रहा होता है। बोलिए, आप भी बोलिए। अरे कहो रे जय जय। अब जो वॉलंटियर को कार्ड डाल के खड़ी है, बाकुन बोली सबसे पीछे जो तुम्हारे खड़े ना, देखो वॉलंटियर बन के वह बातों में लगी हुई है। बा बोली तो थी आबा के लिए, हाल आई को निकवाई कट्ठा थारो ध्यान। बोलिए आप भी, आपको वॉलंटियरशिप जरूर दी गई है, लेकिन पाठ आप लोग भी मिलकर कर रहे हो। कहिए पूरा दरबार, अरे बोलो रे जय जय। हो कहो रे जय जय। हो बोलो रे जय जय सती रानी की, मावड़ी झूझण वाली की। कहो रे जय जय सती रानी की, मावड़ी झूझण वाली। बोलो रे जय जय सती रानी की, मावड़ी झूझण वाली की। बोलो रे जय जय सती रानी की, मावड़ी झूझण वाली की। हो बहु प्रकार आदर देखाई, राजोचित की पहुनाई। हर राजनीति की बात चलाई, हर दिन सा चर्चा में जाई। हर जाली राम की देखी चतुरता, बोले वचन नवाब तुरंत। सब प्रकार दूंगा सन्माना, आदर ओहदा धन अरधाना। हर पद दीवान आप अपना लो, मित्र हमारी बात न टालो। क्षण भर सोच किया मन माई, कैसे अब मैं करूं मनाई। कह नवाब दीवान सुजाना, शिव दिल्ली से वापस आना। शीश नवा अनुशासन लीना, तुरंत शयन व्यापारी की। प्रातः काल गणेश मनाई, रथ दिल्ली की ओर चलाई। हर आकर सारी कथा सुनाई, सुनी हर शीशारद मन माही। जाली राम कहा समझाई, चलने की अब करो उपाय। नगर हिसार में पहुंच कर तेरा दीना डाल, काम दिवा
भवानी का सभी जल्दी लिया सवार, जल्दी लिया सवार। जय जय वो बोलो रे जय जय ओ कहो रे जय जय सती रानी की मावड़ी झूझन वाली की। कहो रे जय जय सती रानी की मावड़ी झूझन वाली की। ओ बहु प्रकार कल्पना लगाई राज काज करते मन लाई हर ऐसी सुंदर नीति बनाई जाली राम की वीर दुहाई। बासल गोत्र जाति जालाना दो सुत एक सुता जग जाना जेते सुत थे तन धन दासा माति पिता का ब्राह्मण दासा रण बाकुर तलवार प्रवीणा कैसा ही व्यापार प्रवीणा सुता एक थी सुंदर श्यामा गुणवती थी शाना। अरे तूज पुत्र मक कमल राम ते सबकी आंखों की तारे अरे माता पिता भ्राता अनुसारे अति विनीत अति आज्ञाकारी जाली राम प्रसन्न थे मन में सभी प्रकार सुत द्वारा धन दान से पूरे थे भंडार। वो दयावान परिवार था पत्नी जाली राम तन धन पुत्र सुजान थे दूजे कमला राम दूजे कमला राम। अरे गौ ब्राह्मण सेवा करते थे खूब प्रसन्न सभी रहते थे आ नवाब का पुत्र सुजाना किशोर सब भात सुहाना राजकुमार कमल तन धन जी साथ खेलते थे भनकर जी कबहु कबड्डी खेल रचाए कबहु सब मिल अरे कबहु जाय जंगल के माही ले गया कर घर वापस आई तन धन कमला राम राज सुते चपल तुरंत दौड़ाते अरे घोड़ी ते एक तन धन पाही सूर्य अर्श भी देख ल जाही हर बीत बती गति तेज तरारे तन धन जी की आज्ञा पाही अश्व दौड़ में चपल तुरंगी आगे रहती तन धन संगी। राजकुमार विचारे मन कैसी तुरंग सुहाई घोड़ी तो लायक मेरे मन में गई समाई यह प्रसंग यही छोड़ कर चलो लोक बागाम नारायणी रहती जहाँ भक्तों की सुखधाम। और सेठानी कहे सेठ से हाथ जोड़ सिर राय पर ढूंढो नारायणी हिते इत उत दूत पठाए इत उत दूत पठाए। कहो रे जय जय हो बोलो रे जय जय हो कहो रे जय जय सती रानी की मावड़ी झूझन वाली कहर जय जय सती रानी की मावड़ी झूझन वाली की। ओ गुरु सामल ने दास पटाए जोशी जी को तुरत बुलाए लक्ष्मी ब्राह्मण दंपति सिर नाई मन भावती आशीषा पाए हर बंदी चरण ब्राह्मण बैठाए नाना विधि पकवान जिमाए भोजन बाद आचमन के ना आशीर्वाद भी प्रफुल्ल दीना कर पूजन आसन बैठा रे सुनो गुप्त अब बात हमारी नारायणी के लिए विप्रवर होगी एक सुंदर हर योग्य विवाह हुई नारायणी तेरह बरस की उम्र सुहानी अरे दंपति शुभ विचार तुम के ना पुण्य आशीष विप्रवर दीना बार बार दंपति समझाई ब्राह्मण गवन की यूं हर्षाई देखे वर अनेक नगरों में धोई नवीर चढ़ा नजरों में देश विदेश में ढूंढ कर ब्राह्मण हुयो निराश दूल्हा योग्य ना मिल सको पूरी नमन की आस चारों दिशा निहार कर तुझ वर वापस आए अच्छा वर नहीं मिल सका खबर कराई जाए खबर कराई जाए। गुर सामल मन चिंता छाए सेठानी भी अति घबराई हर नींद न रात दिवस नहीं चना नारायणी बोली मृदु भैरव अरे चिंता मत लावो मेरी माई का उपाय एक समझाई विप्र पटावो नगर ही सारा सब ही भाति उपकार तुम्हारा बहु प्रकार धीरज बंडवाई तुझ वर चले गणेश मनाई सायंकाल नगर निहराई जाली राम घर पहुँची जाए अरे जाली राम को खबर कराए विप्र एक द्वारी पर आए आप आए सादर सिर नाई अंदर तुरंत गए लेवाई उचित वास मेहमान दिवाए गुरुदेव कहाँ ते आए और सकल प्रसंग दीवान सुनाए जय हित द्वार तुम्हारे आए सकल कथा सुन विप्र से मन में अति हर्षाय अर्धांगिनी को मुदित मान बात सुनाई जाए बात सुनाई जाए। ओ सुनि पति वचन मात हर्षानी नारायणी सब भात सयानी ओ सुन प्रियतम बड़ भाग्य हमारे गुरु सामल बन समधि हमारे नारायणी तन धन की जोड़ी जैसे रति रंग की जोड़ी कान प
पत्र का बात सुनाई, हर्षित हुई शारदा माई, राम कमल ते अवसर आए, माता पिता सादर सिर नाए, हरहि कारण हर्षित पितु माई, पाति कहाती पाती आई, सकल प्रसंग दीवान सुनाए, कमला राम मगन हो धाए, हो मन हर चाय विप्र पहि जाए, हाथ जोड़ बोले सिर नाए, हर जी मन हेत करो प्रस्थाना, पुरसा मल के विप्र सुजाना, भांति भांति के पाक बनाए, चौकी पर आगत बैठाए, हवा करे खुद जाली रामा, भोजन पर से कमला राम, हो तन धन और मात कर जोड़े, खड़े हुए थे बाए खोड़े, मन कल्पना करत है भूसुर, जाली राम धन तेरो घर, जाली राम की वैभव देखी, मन प्रसन्न भय अति विशेषी, मन ही मन आशीष सुनावा, खेत आज मन नीर मंगावा, ओ भोजन कर अति प्रेम से आशीर्वाद सुहाए, गवन कियो विश्राम हिते मन में अति हर्षा, ओ मन में अति हर्षा, ओ बहु प्रकार की नी पहुनाई, की आगत की बहुत बड़ाई, आज्ञा हो सो करहुं गुसाई, आयस दो बालक की नाई, ओ विप्र कहे सुन बात हमारी, अब देरी काहे व्यापारी, त्रयोदशी इक्यावन सन का, करो लगन है हित सभी का, नवमी मंग सिर सुधी सुहाई, उत्तम लगन गौरी सुत ध्याई, ले बारात आवो है नरवर, हम भी अब चलते अपने घर, विदा किए भूसुर हर्षाई, राजा सूत समित सिर नाई, बहु प्रकार दक्षिणा दिवाई, चीर कनक रथ घोड़े गाई, हो विदा कराया विप्र को आए अपने धाम, ब्राह्मण भी पहुंचा तुरते नारायण के ग्राम, हो अति आदर गुरु सामल के ना, आशीर्वाद महेश्वर दीना, सकल कथा विस्तार बखाने, गुरु सामल ने अति सुख मानी, पत्नी को भी तुरंत बुलाया, पक्का हुआ लगन बतलाया, अति हर्षित बोली महतारी, देवन बिगड़ी बात संहारी, हो अब विलंब के कारण की जे काम बहुत है जल्दी कीजे, तो विदा किया ब्राह्मण तभी हो गुरु सामल जी लग गए तैयारी में जाए, प्रसंग यही कथा का बदलू मो, रुक्मणि बोली कृष्ण से शीश नवा कर जो, शीश नवा कर जो, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोलिए श्री रानी सती मात की जय, बोलिए श्री तंदन दास जी महाराज की जय, बोलिए श्री राणा दास जी महाराज की जय, अटल छत्र सरकार की जय, अखंड ज्योत महाराज की जय जय। तो आइए तीसरा अध्याय भी हमारा पूर्ण हुआ, चौथे अध्याय की तरफ बढ़े, उससे पहले तेरा ही सहारा हमें, ओ झुंझन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा, ओ झुंझन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा, माँ कौन जगत में ऐसा जिसे तूने ना उबारा, कौन जगत में ऐसा जिसे तूने ना उबारा, ओ सतियों में सती रानी हमें तेरा ही सहारा, ओ मोटी से ठानी हमें तेरा ही सहारा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आइए एक स्तवन रखते हैं छोटा सा भगवती के चरणों में, परसों मंदिर में गाया था मांड मांड कर सतिया,
दो दिन से सब लोग मुझे बोलते रहे बार बार कि वही वाला सुना दीजिए, वही वाला सुना दीजिए। ये उन सबकी डिमांड पर एक स्तवन रखता हूँ। तत्पश्चात हम लोग चतुर्थ स्कंद को प्रारंभ करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आइए पुस्तिकाओं को मोड़ करके गोद में रख लीजिए और फिर मेरे साथ झूमने के लिए तैयार हो जाइए। हो अर श्री चरणा में अरज करा, सुन लो म्हारी माँ बड़ी। श्री चरणा में अरज करा, सुन लो म्हारी माँ बड़ी। अरे मांड मांड कर सतिया थारा, मांड मांड कर सतिया थारा, हिस गई म्हारी। ओ मांड मांड कर घिस गई म्हारी आंगली। हालांकि साहब जितनी ये आंगली सतिया मांडने से घिसती है ना, उतने सतियों से ये किस्मत उतनी चमक भी जाती है। हा? कहते हैं लोग आंगली, ये भजन के भाव है साहब, एक भक्त और भगवती के बीच की बातें हैं। मन आए तो तुझे माँ कहकर लाड भी लड़ा लूं, मन आए तो दादी समझकर हक भी जता लूं, मन आए तो तुझे भगवान समझकर तेरे आगे परबस भी हो जाऊं। ये भक्त है, इसके अनेक भाव होते हैं। हा? तो आइए हम लोग इसी भाव को रखते हैं और जिस जिस को विश्वास हो कि ये उंगलियां घसने से ये चमक जाती है, तकदीर चमक जाती है, आइए जैसे मैया आओ तो सरी भजन को हमने झूम कर गाया, ठीक उसी प्रकार फिर से एक बार इस भजन में झूम करके गाएंगे हम लोग। हरि श्री चरणा में अर्ज करा, सुन लो म्हारी माँ बड़ी। श्री चरणा में अर्ज करा, सुन लो म्हारी माँ बड़ी। अरे मांड मांड कर सतिया तारा, मांड मांड कर सतिया तारा, अरे घिस गई म्हारी आंगली। मांड मांड कर सतिया तारा, घिस गई म्हारी आंगली। अरे श्री चरणा में अर्ज करा, सुन लो म्हारी माँ बड़ी। श्री चरणा में अर्ज करा, सुन लो म्हारी माँ बड़ी। ओ श्री चरणा में अर्ज करा। जब कीर्तन हो रहा था मैं यहाँ पर पीछे बैठा हुआ था और नोटिस कर रहा था, पुरुष वर्ग जितना भी था वो इन पूरे प्रीमिसेस में बिखरा हुआ था। ये सब अपनी कतार में बैठी थी, कोई एक आधी नाचली खड़ी होकर के तो बात अलग है। मैं मन ही मन सोच रहा था माई कितनी नाइन छापी होगी लुगाया के साथ में, सारा मोटिया नाच रहे बापड़िया ने नंबर ही नहीं आवे और दस पांच छोरियां नाच रही भाई कोना में जटे में बैठे हूँ। वे लोग ही कोना में नाच रहा था क्योंकि आगे सारे लड़के ही लड़के। और आज माई कितो बड़ो खेल करी, सारा मोटियार बारे केवल लुगाया अंदर। देखो साहब मुछिया वाला, आज आपने गिनती की में है सोच के राखियो, क्योंकि तीन बार चार बार चिल्ला चिल्ला कर अनाउंसमेंट हुआ, जितने पुरुष है बाहर चले जाओ, केवल औरतें अंदर रहेगी। पर आपा ने चिंता करबा की बात को नहीं, आपा एकला थोड़ी यहाँ, वो हनुमान बाबू और श्याम बाबू भी तो मोटियार होके भीतर बैठे है। जब वो माँ को भगवान बैठ सके तो मैं तो भगत हा। कल वो नाच रहे थे तुम देख रही थी,
आज तुमको छूटे हैं नाचने की दुनिया देखेगी। आइए मिलकर के पूरा दरबार, अरे मांड मांड कर सतिया धारा, मांड कर सतिया धारा, घुस गई मारी आंगली, मांड मांड कर सतिया धारा, घुस गई मारी आंगली, अरे श्री चरणा में अर्ज करा, सुन लो मारी मावड़ी, श्री चरणा में अर्ज करा, सुन लो मारी मावड़ी, श्री चरणा में अर्ज करा। पकतलिया भी सूज पड़ी, फिर फिर कर फेरी थारी, पकतलिया भी सूज पड़ी, अरे मांड मांड कर सतिया थारा, मांड मांड कर सतिया थारा, घुस गई मारी आंगली, मांड मांड कर सतिया थारा, घुस गई मारी आंगली, श्री चरणा में अर्ज करा, सुन लो मारी मावड़े, श्री चरणा में अर्ज करा, सुन लो मारी मावड़ी, ओ श्री चरणा में अर्ज करा। कीर्तन
भजन भी गावा कितनी जुगत लगावा बैठ बैठ कीर्तन भी गावा कितनी जुगत लगावा बैठ बैठ कीर्तन भी गावा कितनी जुगत लगावा बैठ बैठ कीर्तन भी गावा कितनी जुगत लगावा और चलो बैठ जावे पर माई चीख चीख कर गावा फिर क्यों नाम हर अर्ज हो तेजस फिर क्यों नाम हर अर्ज आई कार कान परी तेजस फिर क्यों नाम हर अर्ज तेजस आई कान परी हर तेजस फिर क्यों नाम हर अर्ज दादी कार कान परी तेजस फिर क्यों नाम हर अर्ज आई कार कान परी हर मांड मांड कर सतिया थारा 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 घिस गई मारे आंगली मांड मांड कर सतिया थारा घिस गई मारी आंगली तो आइए पूरा दरबार जो खड़े हैं उनको नहीं कहूंगा पर जो बैठे हैं वो थोड़ी तालियों में जोर लगाएगा मिलकर के अरे श्री चरणा में अर्ज करा सुन लो भारी बावरी श्री चरणा में अर्ज करा सुन लो भारी बावरी हर मांड मांड कर सतिया धारा मांड मांड कर सतिया धारा घुस गई मारी आंगले मांड मांड कर सतिया गई मारी आ श्री चरणा में अर्ज करा सुन लो मारी बावरी श्री चरणा में अर्ज करा सुन जो मारी बावरी हर तेरा ही सहारा हमें तेरा ही सहारा तेरा ही सहारा हमें तेरा ही सहारा मारी बाजी तेरा वाली दादी हमें तेरा ही सहारा झूझन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा किसी दादी हमें तेरा ही सहारा बोलिए श्री रानी सती मात की जय अरे मांड मांड कर सतिया थारा घिस गई मारी आंगली ओ श्री चरणा में अर्ज करा सुन जो मारी बावड़ी ओ श्री चरणा में अर्ज करा सुन लो मारी बावड़ी हो भला पधारा जी मावड़ी भला पधारा जी भला पधारा जी मावड़ी भला पधारा जी कि आनंद बरस रहो मंगल में मावड़ी भला पधारा जी हो आनंद बरस रहो मंगल में मावड़ी भला पधारा जी जब एक बात को हमेशा याद रखना प्यारो तुम अपने घर पर पूजा करो किसी मंदिर में करो किसी सत्संग किसी प्रवचन किसी कीर्तन किसी कथा में जाओ जब आप लोगों का मन उस कथा में उस प्रवचन या सत्संग में लगने लगे और आपको आनंद के रस की प्राप्ति होने लगे तो समझ जाना कि डायरेक्ट सैटेलाइट से कृपा मैं काल से देखियो मैंने दो तीन लड़का बोलिया बोले अमूमन हमारे ये जलसा के इस एसी हॉल में कभी मक्खियां नहीं होती रात को भी मैं देखा बाप रे बाप झूड़गेरी पूरी तरह पूरा दरबार में अटे बटे सब जगह माखियां ही माखियां दिख रही है पछे रात में कमरा में गयो शिकायत लेकर माई से कि माई इतो बड़ो उत्सव है इतो सुंदर श्रृंगार इतो रकम को भोग तू क्यों माखियां ने गिरावे तेरा काम में
फिर मन में खुद ही ख्याल आयो कि लाला गन्ना का रस की एक बूंद अगर गिर जाए तो बटे माखियां ही माखियां हो जावे। तो अठे तो काल सुबेरे से लेकर अबार तक भगवती का नाम रस की इतनी बारिश हो रही है, अठे तो इतनी मक्खियां होनी। भगवती रो नाम रस रो प्रताप है कि एसी का हॉल में भी माखियां भिनभिना रही है। हो आनंद बरस रहो मंगल में मावड़ी भला पधार्या जी। हम और आप आज माई की नौकरियों पे लगे हैं साहब, घर छोड़कर आए, कुछ नौकरी कुछ बिजनेस, सब अपने अपने काम को दो दिनों के लिए ताले करके आ गए। मैनेजर संभाल रहे हैं, स्टाफ संभाल रहा है, पर हम दो दिन के लिए इनकी शरण में है। तो आइए, और लोग अक्सर पूछते हैं कि ये दादी दादी जपने से होता क्या है, तो एक बार कहिए आप सब मेरे साथ में, हो मेरी माई तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे घरी, मेरी माई तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। अहिया राखेड़ी ने करी भाई होयो तो कुछ नहीं, मैं लोग थोड़ी चर्चा कर रहा था, थारा फोन की घंटी बाजी मारो ध्यान भी। हो मेरी दादी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, हो मेरी दादी गाओ गाओ, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। अब लोग बोलते हैं कि तुमको इस नौकरी से मिलता क्या है, अरे मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, बोले बोले बोले, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, तनखा भी कुछ कम नहीं, अरे कुछ मिले ना मिले कम नहीं, मेरी तनखा भी कुछ कम नहीं, अरे कुछ मिले या मिले कम नहीं। तो सोचो, तनखा का ठिकाना नहीं है फिर भी किए जा रहे हैं, अरे ऐसी होगी का दूसरी, अरे ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। अब सांसारिक नौकरियों पर जाते हैं तो पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, डिग्रियां कमानी पड़ती है, जैक लेकर जाना पड़ता है, चेक लेकर जाना पड़ता है, तब जाके नौकरी मिलती है। लेकिन इनके दरबार की नौकरी किस किस को मिलती है मालूम, अरे कोई जन्मों का पुण्य फला, कोई जन्मों का पुण्य फला, बोलिए बोलिए ना, मैं पाठ चालू करूंगा लेकिन गाइए मेरे साथ, क्योंकि ये मेरे नहीं आपके अपने भाव हैं, कहिए गाइए, अरे कोई जन्मों का पुण्य फला, कोई जन्मों का पुण्य फला, अरे तब कहीं जाके ये दर मिला, कोई जन्मों का पुण्य फला, कहीं जाकर ये तब जग मिला, कोई जन्मों का पुण्य फला, तब कहीं जाके ये दर मिला। और गर्व करते हैं इस बात पे
कि मिल गई हमको चौखट तेरी, हाँ मिल गई हमको चौखट तेरी, वो सबसे बढ़िया है सबसे खरी, वो मेरी दादी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोलिए श्री रानी सती मात की जय। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री रानी सत्याय नमो नमः, श्री हनुमते नमः, श्री नारायणी चरित्रमानस चतुर्थ स्कंद सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी श्री नारायणी नमोस्तुते। अर्थात हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुमको नमस्कार है। तो नाथ हमें बतलाइए कली में सत्य की बात, कौन सती ऐसी हुई जो बनी जगत की मात, बनी जगत की मात। बोलिए सच्चे दरबार की जय। चुनड़ियां बांटो साहब, मनाई नहीं है चुनड़ी बांटने की, लेकिन निवेदन है शोर मत करो। एक दो के बोलने से कितनों का पाठ खंडित होता है ये अंदाजा हम नहीं लगा सकते। किसी पाठ करने वाले का पाठ खंडित ना हो जाए ऐसी व्यवस्था बना करके चलिए। और आओ आगे वालों, आपा तो ओढ़ ली चुनड़ी, अब पाठ पे चला। हो कहो रे जय जय, हो बोलो रे जय जय। सारा नहीं बोल रहे, ये तो बोल ली, अठे वाला बोलो। हो कहो रे जय जय। उधर आगे बैठे हो नहीं टोनी, वो खाली बोल को नहीं रहे। बोलो बोलो, मने नहीं देखो, बोलो। अरे कहो रे जय जय। बोलो रे जय जय। बोलिए अब की तो बोलिया बोलिया। अरे कहो रे जय जय। हो बोलो रे जय जय। हो कहो रे जय जय सती रानी की, मावड़ी झूझड़ वाली की। कहो रे जय जय सती रानी की, मावड़ी झूझड़ वाली की। बोलो रे जय जय सती रानी की, मावड़ी झूझड़ वाली की। बोलो रे जय जय सती रानी की, मावड़ी झूझड़ वाली की। सतयुग द्वापर त्रेता माही, अगणित सती हुई जग माही। कलयुग माही सत की गाथा, चहु नाथ जोड़ कर हाथ। कलयुग के सब लोग दुखारी, कही विधि उतरी पार खरारी। कृष्ण कहे सुनो प्रिया हमारी, एक सती है नजर हमारी। कौरव पांडव युद्ध हुआ था, चक्रव्यूह भी रचा गया था। अर्जुन सुत अभिमन्यु प्यारा, उसने कौरव दल संहारा। बालक ने बहुत लड़ाई, वीर गति अभिमन्यु पाई। नाम उत्तरा प्रिय पत्नी थी, हाय संयोग गर्भवती भी थी। सती होने से रोक दिया था, उसी समय वरदान दिया था। महासती कलयुग की होगी, नहीं अगर तू अब सती होगी। वही उत्तरा जन्मी आकर, तपोभूमि भारत में जाकर। पुरुषामल घर जन्म लिया है, नारायण शुभ नाम दिया है। अभिमन्यु ने जन्म ले लिया, सुंदर तन धन नाम दे दिया। बड़े सूत्र में अब बंधेंगे, सुखी जगत के लोग करेंगे। ओ रुक्मण बोली मैं देखूंगी, नारायणी का सत पर खोगी। भल ही प्रिया कह कृपा निधाना, वेश जोगिया लगे बनाना। ओ जोगन रुक्मणि राधिका, रूप बनायो जोगी रूप लियो, शाम ले सत पर खन को जा। सत्य परिखनी को जाए, अल
जगत जगाई गुरसामल घर बोले हर हर गम शिव शंकर पत्नी समेत आए सिरना वासुता बुला परिणाम कराओ भले बाग साधु घर आए महत प्रेम से भीतर लाए ओ चकित हुई नारायण देखे राधा रुक्मण अति विशेष अति आदर पद कमल पकारे चरणामृत भय सुखारे पान सहित भोजन करवाया जल पिलाए अचमनी कराया राधा रुक्मण और निहारे बोले चौदश देख खरारे घर घर में उत्सव है छाया कारण गुरगांव सजाया हरि नारायणी का ब्याह रचाया यही कारण घर गांव सजाया और गुरु सामल बोले कर जोड़ी एक विनती सुन प्रभु मोरी ओ कन्या की रेखा पढ़ो तो भविष्य बतला सुखी रहे कन्या मेरी ऐसा करो उपाय ऐसा करो उपाय नारायणी का हाथ देख कर भाग्य बताओ मन विचार कर नारायणी को तुरंत बुलाया काम हाथ उनको दिखलाया हाथ देख बोले मुन जाओ तन धन का भी के वाला हो कहे मुन सुनो उमर तन धन के अब बाकी है थोड़े दिन की अरे अब तुम बात हमारी मानिए पूजा बन खोजो नर ज्ञानी मुकलावा जिस दिन भी होगा तन धन यम पुरगामी होगा सुनि मुनि वचन पिता मुरझाए माता ने भी होश ते ही समय नारायण रूप करो बोली वचन हृदय को भिड़कर जो कुछ भी भविष्य है मेरा फिर भी तन धन ही वर मेरा नहीं दूसरा वर ब्याहूंगी तन मन से तन धन ब्याहूंगी जन्म जन्म का साथ हमारा नहीं तज दूसर नहीं भरता रहा राधा रुक्मण अति सतुचाये मन ही मन अत्यंत शर्माये हाथ जोड़ बोली नारायणी सकल भांति मन में अनुमानी ओ नारायणी पहचान गई ये तो नंद किशोर हाथ जोड़ बोली तुरंत सुनिए माखन चोर सुनिए माखन चोर सतयुग द्वापर में छल करके भक्तों को छल जी भर के छले भगत त्रेता युग माई छलने की पर भूख न जाई ओ अब छल छोड़ तरस दो नाता हाथ जोड़ करना ओ माथा ओ वृंदावन माखन चोरी की अब आदत छोड़ो चोरी की ओ मात पिता को करो सुखारी यह प्रसंग भूलिए सुरारी ओ राधा रुक्मण और निहारी हाथ जोड़ आरती उतारी ओ लखी रुक्मण बोले चल दारू आज पकड़ी गई चोरी हमारी वो तुरंत चतुर भुज रूप बनाया नारायणी को दर्श दिखाया वो चरण पकड़ बोली कर जोड़ी बली सजीती की जोड़ी ओ माता पिता अवसर अनुमानी विनती करी जोड़ जुग पानी और आशीर्वाद दे विधि नाना अंतर ध्यान भये भगवाना या चरित्र कर कृपा निधि पाचे अपने दाम माता मन में सोचते क्या होगा परिणाम क्या होगा परिणाम हो रे जय जय हो रे जय जय हो कहो रे जय जय सती रानी के पावरी झूझन वाले कहो रे जय जय सती रानी की पावरी झूझन वाले की अरे माता कहे पति से माता क्या होगा कुछ समझ न आता वो दूजा वर खोजो तुम जाई इसमें ही अब लगी भलाई बार बार विनती कर जोड़ी अब हो नाथ मानो अब मोरी गुरु श्यामल बोले न
अंतर ज्ञानी धीरज धरो बात मेरी मानी छोड़ो सब भगवान भरोसे वही सभी को पाले पोसे अब यदि तोड़ू जाए सगाई होगी जग में लोग हसाई टूट जाए कन्या की सगाई कोई नहीं करे अपनाई मान घटे अपनी बेटी का लाभ नहीं कुछ इस हेति का बात मान मत रिश्ता तोड़ो अपने टूटे दिल को जोड़ी अपने टूटे दिल को जोड़ी अपने टूटे दिल को जोड़ो तो बाल नारी हट राज हट जग में है विख्यात जब तीनों हट पर अड़े माने नाही बात